नमस्कार सभी को। आज हम लोग यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने मीडिया में भी देखा होगा और इवन प्रधानमंत्री जी ने पिछले महीने में मन की बात में ये बात उठाई थी कि साफ सफाई आसपास में होना चाहिए। और एनसीईआरटी बहुत बड़ा कैंपस नहीं है, छोटा सा कैंपस है, सुंदर सा कैंपस है। और उस कैंपस में इस बिल्डिंग की बात अगर करें, ये अपने आप में जो है हेरिटेज बिल्डिंग है। यहाँ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन और बाकी इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स रिसर्च करने के लिए आते हैं ये बिल्डिंग कैसी है। लेकिन इस बिल्डिंग के चारों ओर अगर हम देखेंगे उसका मेंटेनेंस ना की बराबर है। जिस रूम में हम लोग काम करते हैं या जिस फ्लोर पे काम करते हैं तो उसकी साफ सफाई होनी चाहिए और इस बिल्डिंग के अंदर और आसपास थोड़ा साफ सफाई होने की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आसपास की सफाई थोड़ी करेंगे एक घंटे डेढ़ घंटे के लिए, फिर वापस आ जाएंगे काम पे। और ये जो सिलसिला है हर हफ्ते में कम से कम दो घंटे सफाई के लिए हम लोग देंगे ताकि एक महीने के अंदर हो सकता है कि ज़्यादा काम नहीं होगा फिर रिपीट करने के लिए इसको। और जो सफाई के स्टाफ हैं और जो हमारे BMW सेक्शन है तो उनके सहारे और पूरे जो हमारे मेंटेनेंस के स्टाफ हैं जो आप लोग यहाँ खड़े हैं उनके जरिए जो है हम साफ सफाई रखेंगे। तो आइए हम लोग साथ मिलके शपथ लेते हैं कि इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के आसपास कम से कम साफ सफाई रखेंगे, उसके बाद फिर बाकी NCERT कैंपस में जाएंगे। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं एक नए भारत का 1942 में हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने एक संकल्प लिया था भारत छोड़ो का। और 1947 में वह महान संकल्प सिद्ध हुआ। भारत स्वतंत्र हुआ। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं 2022 तक नए भारत के निर्माण का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं स्वच्छ भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं गरीबी विमुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं आतंकवाद मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं संप्रदायवाद मुक्त भारत का। हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं जातिवाद मुक्त भारत का। नए भारत के निर्माण के अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए हम सब मन और कर्म से जुट जाएंगे।